रुख करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। कृषि भवन हमीरपुर के सभागार में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण परियोजना निदेशक द्वारा कृषि आदान व्यवसायियों के लिए कृषि प्रसार सेवाएं संबंधी चलाए जा रहे एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सत्र के शुरुआत में आत्मा परियोजना निदेशक डॉक्टर कुलदीप वर्मा ने सर्वप्रथम उपस्थित मुख्य अतिथि का स्वागत किया। कृषि भवन हमीरपुर के सभागार में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण परियोजना निदेशक द्वारा कृषि आदान व्यवसायियों के लिए कृषि प्रसार सेवाएं संबंधी चलाए जा रहे हैं एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सत्र के शुरू में परियोजना निदेशक डॉक्टर कुलदीप वर्मा ने सर्वप्रथम उपस्थिति मुख्य अतिथि का स्वागत किया। उसके उपरांत DESI प्रोग्राम के उद्देश्यों व किसानों को होने वाले लाभों पर विचार व्यक्त किए। ये जो एक वर्षीय डिप्लोमा यहाँ हम करवाते हैं, ये लगभग 38 जो प्रतिभागी हैं इस वर्ष 39 तो ये लगभग 40 जो हम क्लासेस लगाएंगे इसमें और 8 जो है वो प्रैक्टिकल बाहर करवाएंगे। तो अगर हम पूरा सिनेरियो यहाँ का पूरे हिंदुस्तान का देश का देखते हैं तो इस वक्त 2,82,000 इनपुट डीलर जो हैं वो इस देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और क्योंकि आपकी सेवाएं बहुत ही जरूरी हैं, विभाग या सरकार हर जगह अपने एम्प्लॉइज नहीं भेज सकते या अपॉइंट कर सकते, तो ऐसी परिस्थितियों में जो इनपुट डीलर्स हैं वो पैरा एक्सटेंशन ऑफिसर का कार्य करेंगे या करते रहे हैं, आने वाले स्प्रे में भी बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। जो मैनेज हैदराबाद से जो मैंडेट है उसमें उनका टारगेट है कि 12,000 जो हमारे प्रतिभागी हैं जो इसमें ट्रेनिंग एक साल में 12,000 एक साल में कम से कम ट्रेंड करने हैं, प्रशिक्षित करने हैं। ये मैनेज का पूरे हिंदुस्तान के लिए टारगेट है। और जिसका जिसकी नोडल एजेंसी जिला लेवल पर जो है वो आत्मा हमीरपुर है। मैं चाहूंगा कि आप सभी जितने भी यहाँ प्रतिभागी हैं वो ये जो डिप्लोमा करवाया जा रहा है इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। मुख्य अतिथि राकेश ठाकुर ने अपने संबोधन के दौरान जिला के कृषि आदान व्यवसायियों को पंचायती राज संस्थाओं के होने वाले लाभों पर विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि राकेश ठाकुर ने उसके उपरांत DESI प्रोग्राम के उद्देश्यों व किसानों को होने वाले लाभों पर विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि राकेश ठाकुर ने अपने संबोधन के दौरान जिला के कृषि आदान व्यवसायियों को पंचायती राज संस्थाओं के महत्व व जिम्मेदारियों पर जोर डालते हुए कहा कि आधुनिक समाज के निर्माण में इन संस्थाओं का विशेष महत्व है। अब ग्रामीण स्तर की विकास योजनाओं का खाका पंचायत में ग्रामीणों के सहयोग से पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा मौके पर ही तैयार किया जाता है ताकि हर स्तर पर जन सहभागिता बढ़े। हमारे भूजल के गिरते जल स्तर पर उन्होंने विशेष चिंता जाहिर की तथा कहा कि हमें जहां तक संभव हो सके जल संरक्षण के उपायों पर खास ध्यान देना होगा, अन्यथा भविष्य में बड़ी मुश्किलें पेश आएगी। उन्होंने कहा कि वे पंचायतों द्वारा विशेष कोरमों में जाकर इस डिप्लोमा कोर्स में सीखी हुई कृषि की आधुनिक तकनीक की जानकारी आम किसानों तक भी पहुंचाएं। सत्र के अंत में डॉक्टर प्रीतम चंद शर्मा ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का धन्यवाद किया। जो हमारा 11th शेड्यूल था उसमें कृषि को प्रथम रखा गया, पहला स्थान उस गवर्नमेंट में रखा गया 11th शेड्यूल में, तो कृषि को रखा गया। हमारे देश में लगभग 2,55,674 पंचायत है पूरे देश में, और उसी में
जो हमारी ब्लॉक समिति है लगभग 6354 पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, और उसी में जो जिला परिषद जब 3-tier सिस्टम हुआ तो 617 हमारे जिला परिषद जिले पूरे देश में, और उसमें लगभग 31,60,000 टोटल पंचायत प्रतिनिधि है। और सबसे हर्ष की बात है कि उन 31,60,000 में लगभग 14,34,000 हमारी महिलाएं प्रतिनिधि, क्योंकि ये सोचने की बात है जिस देश में इस तरह की व्यवस्था हो उसमें पंचायती राज अपने आप सशक्त होगा, उस गांव का विकास अपने आप होगा। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो लगभग 3223 जो टोटल पंचायतें हैं हमारे प्रदेश में 3223 जब स्मार्ट सिटी बने या 2015 का जो चुनाव हुआ उससे पहले 3243 थी, लेकिन स्मार्ट सिटी आने में या शिमला में कुछ पंचायतों को उसको जोड़ा गया तो 20 पंचायतें कम हो गई। इसके साथ साथ जो हमारा अपना जिला है, हमारे जिला में 229 पंचायतें, और उन 229 पंचायतों में जो हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर हैं वो 123 हैं, और हमारे जिला परिषद के मेंबर 18 हैं। 229 प्रधान है, 229 ही उप प्रधान है, और 1370 हमारे वार्ड पंच जो हमारे पूरे जिला में। तो इस तरह से 3-tier सिस्टम के माध्यम से अभी हाल में सरकार को यह लगा कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही जो अदर्स डिपार्टमेंट है उनके सहयोग से गांव में विकास किया जाए, और उस योजना का नाम भारत सरकार ने दिया GPDP, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ले आपके माध्यम से ही वो प्लान बने, हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लोग और गांव के जो प्रमुख लोग हैं वो अपने गांव की किस तरह का विकास हो, किस तरह की डेवलपमेंट उस क्षेत्र में हो वो उनके माध्यम से हो, GPDP में आए, फिर वो ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में, फिर उसको फाइनल स्वरूप विभिन्न डिपार्टमेंट के माध्यम से दिया जाए। और उसी कड़ी में कृषि को प्रथम स्थान पर रखा गया, तो हमारी भारत सरकार ने 2016 से जो फार्मर्स जितने भी आप इनपुट्स डीलर्स हैं उनको एक ट्रेनिंग का करने का खाका तैयार किया गया। 2016 से लेकर आज तक मुझे लगता है ये दूसरा बैच है हमीरपुर जिला का, और इस बैच में जो 40 पार्टिसिपेंट्स थे, एक आर्मी सका किसी कारणवश हो सकता है उसकी अपनी मजबूरी को, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर्स के यहाँ हमारे बहुत से सेक्रेटरीज बैठे हैं, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ 80% लोग उन्हीं में से हैं, और ज्यादातर जो फार्मर्स हैं जो हमारा गांव का लोग है किसी भी तरह की जरूरत होगी तो वो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति के पास आता है तो वो आपसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है उसके पास आता, चाहे उसको पैसे की जरूरत पड़े तभी वो आपके पास आता है, अन्न की जरूरत पड़े तभी वो आपके पास आता है, या कोई और समस्या आपके क्षेत्र में अपने गांव में अपने घर में उसकी होगी तभी मुझे लगता है वो आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो इससे बड़ा सौभाग्य उस गांव का, उस किसान का और क्या हो सकता है जब पंचायत के उस क्षेत्र का कोऑपरेटिव सेक्रेटरी, उस सोसाइटी का सेक्रेटरी के माध्यम से जब इस तरह की अवेयरनेस होगी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2022 में कैसे किसान की इनकम डबल की जाए वो स्वरूप पूर्ण होगा।